एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि रामपुर में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने वाली संस्था के लोगों ने मौके का निरीक्षण किया और काम भी युद्ध स्तर पर जारी कर दिया गया है। स्ट्रक्चर बनाने का कार्य 4 दिन के भीतर पूरा कर दिया जाएगा और उसके बाद बीआरडीओ को सूचना दे दी जाएगी कि प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि रामपुर में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, जरूरत पड़ने पर यहाँ से ऑक्सीजन को अन्य क्षेत्रों के लिए भी मदद के तौर पर भेजा जा रहा है। उनके पास राज्य और जिला की ओर से मिले ऑक्सीजन भंडारण के अलावा अपने स्तर पर भी पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा कि रामपुर में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो पर्याप्त है, किसी प्रकार की घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास स्टेट का रिजर्व भी क्रिएट हुआ है, बफर स्टॉक हमारे पास स्टेट का है। इसके अलावा हमारे पास सफिशेंट क्वान्टिटी में हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं। इसके अलावा आज ही NHAI जिसको कि जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बनना है हॉस्पिटल में, उसकी टीम ने भी आज हॉस्पिटल का दौरा किया है और PWD को फर्दर जो स्ट्रक्चर बनना है ऑक्सीजन प्लांट के लिए उसका निर्माण कार्य के आदेश दे दिए गए हैं और 4-5 दिन में जो एक निर्माण कार्य है स्ट्रक्चर का वो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो DRDO की टीम विजिट करके अपना प्लांट सेटअप करेगी, तो अच्छी बात यह है कि मे बी अगले कुछ दिनों में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट हो, उसके लिए सरकार की ओर से हमें पूर्ण सहयोग मिला है। गवर्नमेंट का विशेष रूप से बहुत मैं धन्यवादी हूँ कि रामपुर में इतने छोटे स्पैन में गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अपनी जो कर्तव्यता है वो पूरी की है। इसके लिए हम पूरे रामपुर वासियों की ओर से मैं सरकार का धन्यवादी हूँ।